अब बस इतना बता दो कि अपने सारे हक छोड़कर तुम यहाँ मुंबई में क्यों चली आई? हक खुद से दिया जाए तो अच्छा है, लेकिन हक को छीनना पड़े तो बेकार। और अब झनक को आदित्य बस देखते रह जाता है कितनी गहराई है झनक में। तुमने अपने पापा से मिलने की कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की, लेकिन तब मिल पाती ना। अगर मैं उनके बारे में कुछ भी जानती हूँ, मैं तो उनका नाम तक नहीं जानती हूँ, नहीं जानती वो कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ नहीं जानती, क्योंकि मेरी माँ ने कभी बताया नहीं और वो नहीं चाहती थी कि उनके बारे में मैं कभी भी उनसे कोई भी सवाल पूछूं। वो मुझे उनसे दूर रखना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी उनके बारे में कुछ भी जानूं। और फिर अचानक से माँ ने आत्महत्या कर ली, वो मुझे छोड़ के चली गई उन सवालों के साथ जिसके जवाब आज तक ढूंढ रही हूं मैं। बताए क्यों, उसकी वजह क्या है? रोज रोज की जिल्लत, वो दुनिया के ताने, उन्हें गलत नजरों से देखना, वो ये सब बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। वो बताए इन सब की जड़ सिर्फ एक ही इंसान है, मेरे पापा। क्योंकि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो माँ को अपना सके, मुझे अपना सके, हमें प्यार दे सके। और अब आदित्य के सामने ये कड़वी सच जब सामने आई है झनक की जिंदगी को लेकर, तो उसका सर झुक जाता है। कितने बेरहम होते हैं वो मर्द जो प्यार करके ऐसी निशानी देकर और फिर मुकर जाते हैं, अपनाते नहीं। और उन्हें क्या पता कि इसकी कीमत एक औरत क्या चुकाती है जब वो इस रिश्ते को सम्मान देना चाहती है, पर बदले में सिर्फ मिलती है जिल्लत। ऐसा क्यों? और बस वो हमें छोड़ के चले गए और कभी नहीं आए। और जिस दिन बाद ये बात मुझे समझ में आई, मैंने ठान लिया कि मैं कैसे भी करके उस इंसान को ढूंढ कर रहूंगी और उनसे सवाल पूछूंगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, माँ मुझे क्यों छोड़ के चले गए, अपना नाम मुझे क्यों नहीं दिया। देखिए ना, मेरी किस्मत कहाँ ले आई मुझे, क्या कुछ नहीं सोचा था और क्या हो रहा है मेरे साथ। जिंदगी की कश्मकश में इतना खो गई मैं कि पता ही नहीं चला कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे उनको ढूंढना है, कहाँ ढूंढना, कुछ कुछ। और फिर जैसा दोस्त मुझे मिला, अगर आप जैसा दोस्त मुझे नहीं मिलता सर, तो पता नहीं मैं अभी कहाँ होती, कहाँ रह रही होती मैं। ऐसा कुछ नहीं होता जनक, वो ऊपर जो है ना भगवान, वो और किस्मत तुम्हारा साथ देते। और अब जनक आदित्य को कैसे बताए कि वो भी उसके जीवन में कैसे एक रोशनी बनकर ही आया है, उसे कैसे कैसे अंधेरे से निकाला है आदित्य ने, तब जब जानता तक नहीं था उसका सच, और आज भी वो खड़ा है चट्टान की तरह झनक के लिए। And I know कि तुम कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेती जाना। सही कहा आपने, भगवान जी तो बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ ही हैं, इतना साथ कि मेरी माँ ने आत्महत्या कर ली, इतना साथ दिया है कि मेरे पापा ने माँ और मुझे कभी नहीं अपनाया, अपनाने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि अपनी बच्ची का चेहरा तक देखने नहीं आए कभी, और ना ही कभी अपना चेहरा दिखाया। होंगे कहीं इस दुनिया में, ना मुंह छुपाए किसी कोने में होंगे, मैं नहीं जानती हूँ। मैं जानती हूँ तो सिर्फ इतना कि उनकी वजह से, जिससे मैं आज इतना प्यार करती हूँ, उनके साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती, अपना परिवार, अपना घर नहीं बसा सकती, उनकी वजह से। और ये सबसे कड़वी सच है झनक की जिंदगी का जो आज आदित्य सुन रहा है। और ये भी नहीं जानती कि ये जो बच्चा है उसको अपने पापा का नाम मिलेगा या नहीं, लेकिन जो हो क्या सो हो क्या,
मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा तो नहीं होने दे सकती हूँ ना, तो मैं उसे इज्जत दिलाऊंगी। वो अपनी माँ की तरह दर दर नहीं भटकेगा, उसे अपना हक दिलाऊंगी मैं, उसके साथ गलत नहीं होने दूंगी, इसलिए मैं कोलकाता जाऊंगी। और अब आदित्य देखता है झनक को, बहुत भावुक हो गया है वो। इतना दर्द लिए घूमती रही झनक अपने सीने में अकेले, शायद ऊपर वाले की ही मर्जी होगी जो आदित्य जैसे लोग उसके जीवन में आए और अपनाए भी, जैसे भी झनक को अपनाए, क्योंकि झनक उनके लिए स्पेशल है, वो हार मानने वालों में से नहीं। तो अब आगे आदित्य कैसे सपोर्ट करेगा झनक को उसकी प्रोफेशनल जिंदगी में, क्योंकि जिस दुनिया में वो अब कदम रखेगी आदित्य के साथ, उस दुनिया में सिर्फ काम और पैसा होता है, भावनाएं कौन देखता है। पर आज झनक जिस मोड़ पर है, आदित्य उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचने देगा, तो क्या करेगा आदित्य आगे झनक के लिए, देखना ना भूलिएगा। यही कंप्लीट बॉलीवुड पर आदित्य की अनकही प्रेम कहानी, जिसमें निभाएगा वो ऐसा साथ जिसके चलते झनक हर तूफान से गुजर जाएगी और ऊंचाइयां को भी छुएगी, पर सब कुछ अपने बलबूते पर। और क्या अब खोज करेगा झनक के पिता का, जिसे आज तक झनक ढूंढ नहीं पाई। ये यही कंप्लीट बॉलीवुड पर, देखते रहिए हमारे साथ और लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा हमारे वीडियोस को।